बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके फंक्शन और फीचर्स की डिटेल्स देखी थी। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। इसके अंदर हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर की टाइप्स जैसे कि कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर की डिटेल्स देखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, ये टॉपिक पाकिस्तान में पढ़ाई जाने वाली दूसरी बुक्स के अंदर चैप्टर नंबर 1 में मौजूद है, जबकि पंजाब टेक्स्ट बुक के अंदर ये टॉपिक चैप्टर नंबर 5 में मौजूद है। तो फ्रेंड्स, आइए अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की जरूरत क्यों पेश आई? आज से बहुत साल पहले जब ना ही कोई लैंग्वेज थी और ना ही कोई ट्रांसलेटर, तो प्रोग्रामर्स को, यानी कंप्यूटर के बनाने वालों को, जो लोग कंप्यूटर से बात करना चाहते थे, उन्हें कंप्यूटर के अंदर तमाम कोड मशीन लैंग्वेज यानी वन और जीरोस के फॉर्म में देना होता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 8+5 कंप्यूटर के जरिए कराना चाहती हूँ तो, और मैं, मेरे पास सिर्फ मशीन लैंग्वेज यानी वन और जीरोस पर मुश्तमिल कोड है, तो मैं कंप्यूटर को 8 के लिए एक अलग कोड दूंगी जो कि वन और जीरोस पर मुश्तमिल होगा, 5 के लिए एक अलग कोड दूंगी, और इसी तरीके से प्लस के लिए एक अलग बहुत बड़ा सा कोड कंप्यूटर के अंदर मुझे इनपुट देना होगा। तो दोस्तों, ये तो सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन है, जबकि आपका कंप्यूटर एक वक्त में हजारों इंस्ट्रक्शंस यानी हजारों टास्क को परफॉर्म करता है। तो इतनी सारी इंस्ट्रक्शंस का मतलब है कि बहुत ज्यादा तादाद में वन और जीरोस पर मुश्तमिल कोड आपको कंप्यूटर के अंदर देना होगा, इसके लिए बहुत सा वक्त दरकार है। इसके साथ साथ आपके इंस्ट्रक्शंस देने के अंदर अगर कोई एरर आ जाता है, यानी आप इस जीरो की जगह वन लिख देते हैं, तो दोस्तों इस, क्योंकि तमाम कोड वन और जीरोस पर मुश्तमिल होगा, तो इतने बड़े कोड के अंदर, इतनी सारी इंस्ट्रक्शंस के अंदर आपके लिए इस जीरो की जगह वन को डिटेक्ट करना, उसको ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। यानी इन लैंग्वेजेस के अंदर, मशीन लैंग्वेज के अंदर, ना सिर्फ इसको समझना, लिखना, बल्कि इनके अंदर मौजूद एरर्स को डिटेक्ट करना भी बहुत मुश्किल था। इसीलिए ऐसी लैंग्वेजेस बनाई गई जो कि यूजर्स, प्रोग्रामर्स, आपके लिए और मेरे लिए समझना और लिखना आसान हो, और उनको नाम दिया गया हाई लेवल लैंग्वेजेस का। तो दोस्तों, हाई लेवल लैंग्वेजेस कुछ इस तरह के इंग्लिश के वर्ड्स पर मुश्तमिल होती थी जिनको आमतौर पर प्रोग्रामर्स आसानी समझ सकते थे। ये तो लैंग्वेजेस बन गई, लेकिन हमारा कंप्यूटर तो इन लैंग्वेजेस को समझ ही नहीं सकता, कि हमारा कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ वन और जीरोस यानी मशीन लैंग्वेज को समझता है। इसलिए जरूरत पड़ी एक ऐसे ट्रांसलेटर की जो कि इस लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज यानी वन और जीरोस में तब्दील करे, और इसीलिए उन ट्रांसलेटर्स को, उन कन्वर्टर्स को लैंग्वेज कन्वर्टर्स का नाम दिया गया। दोस्तों, ये तो थी ट्रांसलेटर की जरूरत। आइए हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर की डेफिनेशन को देखते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर किसी एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज के अंदर तब्दील करता है। ट्रांसलेटर के अंदर सोर्स कोड को इनपुट दिया जाता है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज पर मुश्तमिल होता है। ट्रांसलेटर उसको कन्वर्ट करता है, तब्दील करता है लो लेवल लैंग्वेज में, तो मशीन लैंग्वेज भी कहा जाता है, जो कि वन और जीरोस पर मुश्तमिल होती है। दोस्तों, याद रहे सोर्स कोड या फिर सोर्स प्रोग्राम और ऑब्जेक्ट कोड और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम एक ही काम करते हैं। यानी अगर सोर्स कोड के अंदर 8+5 की कोडिंग लिखी होगी, तो ऑब्जेक्ट कोड के अंदर जो वन और जीरोस पर मुश्तमिल कोड होगा, वो भी 8+5 की इंस्ट्रक्शन को वन और जीरोस के फॉर्म में ही लिखेगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि आपको सोर्स कोड से अलग आउटपुट मिले और ऑब्जेक्ट कोड से अलग आउटपुट मिले। पर दोस्तों, फर्क सिर्फ इतना होगा कि सोर्स कोड हाई लेवल लैंग्वेज पर मुश्तमिल एक इंस्ट्रक्शन होगी, और वही इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्ट कोड के अंदर मशीन लैंग्वेज पर मुश्तमिल होगी। दोस्तों, किसी भी लैंग्वेज पर दुनिया में हजारों हाई लेवल लैंग्वेजेस मौजूद हैं, जैसे कि सी, C++, जावा, कोबोल और भी दूसरी लैंग्वेजेस मौजूद हैं। हर लैंग्वेज का अपना एक अलग ट्रांसलेटर होता है, जिसमें उसकी इंस्ट्रक्शन को कैसे वन और जीरोस में कन्वर्ट करना होता है, इसका पूरा प्रोसीजर लिखा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक कोबोल की लैंग्वेज है, उसको मशीन लैंग्वेज में किस तरीके से तब्दील करना है, तो उसके लिए जो ट्रांसलेटर इस्तेमाल होगा वो कोबोल का ही ट्रांसलेटर होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप सी लैंग्वेज का ट्रांसलेटर कोबोल लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल कर लें। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर लैंग्वेज के लिए उसका अपना एक अलग ट्रांसलेटर है, और आमतौर पर कंप्यूटर के अंदर तीन तरह के ट्रांसलेटर्स होते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। और तमाम हाई लेवल लैंग्वेजेस को तब्दील करने के लिए ये दोनों ट्रांसलेटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं।
लेकिन दोस्तों एक वक्त में एक लैंग्वेज को ट्रांसलेटर एक लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए तब्दील करने के लिए आप सिर्फ कोई एक ही ट्रांसलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि सबसे पहले आइए कंपाइलर को डिटेल में पढ़ते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज यानी मशीन लैंग्वेज में और वन और जीरोस के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, क्योंकि ये पूरे प्रोग्राम को एक साफ मशीन कोड में तब्दील करता है, इसीलिए इसे कंपाइलर कहते हैं। और कंपाइलर एक वन टाइम प्रोसेस है, यानी ये एक दफा में ही पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एक पूरा प्रोग्राम है, तो जब इस प्रोग्राम को कंपाइलर में डालेंगे तो कंपाइलर इस पूरे प्रोग्राम का एक साथ वन और जीरोस पर मुश्तमिल मशीन कोड जनरेट कर देगा। दोस्तों ये दूसरे ट्रांसलेटर्स के निस्बत इसीलिए तेजी के साथ काम करता है। कंपाइलर सिर्फ हाई लेवल लैंग्वेजेस के लिए बनाए जाते हैं, यानी कोई लो लेवल लैंग्वेज जैसे कि असेंबली लैंग्वेज के लिए आप कंपाइलर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड के अंदर वन और जीरोस के फॉर्म में तब्दील करने के लिए कंपाइलर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि दूसरे लैंग्वेज ट्रांसलेटर का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों जैसे ही आप हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम कंपाइलर को देते हैं, कंपाइलर ना सिर्फ उसको ट्रांसलेट करता है बल्कि आपके सोर्स कोड में अगर कोई सिंटैक्स एरर होता है तो उसे भी साथ साथ ढूंढता है। दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कुछ रूल्स पर बनी होती हैं, जिनके जरिए प्रोग्रामर्स प्रोग्रामिंग करते हैं, उन रूल्स को सिंटैक्स कहा जाता है। अगर आप उस सिंटैक्स को लिखने में कुछ गलती करेंगे तो कंपाइलर उसकी वजह से एरर को जनरेट करता है। फॉर एग्जाम्पल एक उर्दू को इंग्लिश में तब्दील करने का ट्रांसलेटर है, और अगर आप उसमें बे की जगह यानी बे के नीचे एक के बजाय चार नुक्ते लगाकर ट्रांसलेटर को देंगे तो ट्रांसलेटर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने से पहले एरर देगा, जो कि सिंटैक्स एरर कहलाएगा। इसको आप कंपाइलर डिटेक्ट को आपका कंपाइलर डिटेक्ट करता है और उन्हें ठीक किए बगैर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। ना सिर्फ एरर को डिटेक्ट करता है बल्कि उसकी टाइप और किस लाइन में एरर है ये भी बताता है। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल करता है, एक साथ मशीन कोड में तब्दील करता है, इसीलिए एरर को डिटेक्ट करना भी कंपाइलर के लिए मुश्किल होता है। जब हमारे प्रोग्राम में एरर आता है ये ट्रांसलेशन को स्टॉप कर देता है, रोक देता है, और जब उन एरर्स को यूजर रिमूव कर देता है प्रोग्राम में से, तब दोबारा होल प्रोग्राम की ट्रांसलेशन की जाती है। मीन्स हमारा कंपाइलर जब भी ट्रांसलेशन करता है तो होल प्रोग्राम की करता है, छोटे छोटे पार्ट्स में ट्रांसलेशन नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपके प्रोग्राम के अंदर इस जगह कोई एरर आया है, इस लाइन में कोई एरर आया है, तो कंपाइलर आपकी कंपाइलेशन को रोक देगा और एक एरर जनरेट करेगा। जब आप इस एरर को रिमूव कर देंगे तो दोबारा से पहली लाइन से ट्रांसलेशन स्टार्ट करेगा। कंपाइलर जिस फाइल को मशीन कोड में तब्दील करता है उसे ऑब्जेक्ट फाइल कहते हैं। एक बार आपका प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा उसकी एक ऑब्जेक्ट यानी .obj की फाइल क्रिएट हो जाएगी, फिर आप उसको कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बार बार हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में तब्दील करने की जरूरत नहीं होगी, यानी आप इसको फुल फ्यूचर में जब भी आपको उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना होगा तो फिर कंपाइल करने की जरूरत नहीं होगी, उसको मशीन कोड में तब्दील करने की जरूरत नहीं होगी। इसके बाद दूसरा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जिसका नाम है इंटरप्रेटर। ये दूसरी किस्म का ट्रांसलेटर है, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज यानी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट करता है, जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन यानी एक एक लाइन को ट्रांसलेट करता है। फॉर एग्जांपल आपके सामने ये प्रोग्राम है तो पहले पहली लाइन को ट्रांसलेट करेगा यानी पहली लाइन का मशीन कोड जनरेट करेगा, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और इस तरीके से पूरे प्रोग्राम को मशीन कोड के अंदर तब्दील करता है। इसीलिए ये कंपाइलर के निस्बत हल्की स्पीड में ट्रांसलेशन करता है, ये भी कंपाइलर की तरह सिंटैक्स एरर को जनरेट करता है, लेकिन ये लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, इसीलिए आसानी के साथ एरर को डिटेक्ट कर लेता है। कंपाइलर की तरह इसको एरर को डिटेक्ट करने में मुश्किल दरपेश नहीं होती। जैसे ही इंटरप्रेटर एरर को डिटेक्ट करता है, ये एरर को दिखाता है, यूजर एरर को रिमूव करता है, तो ये कंपाइलर की तरह पहली लाइन से नहीं बल्कि जिस लाइन में एरर आया है वहीं से दोबारा ट्रांसलेशन स्टार्ट करता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर एक जैसे काम करते हैं, यानी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन कंपाइलर पहले पूरे कोड को मशीन कोड में तब्दील करता है,
फिर प्रोग्राम को रन करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कंपाइलर रिपोर्ट को इस मशीन को यानी 1 और 0s की फॉर्म में तब्दील करेगा, एक .obj की फाइल बनाएगा, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करेगा, यानी दो टास्क आपने कंप्यूटर से करवाना है वो आपको करके देगा। जबकि इंटरप्रेटर सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है और साथ साथ प्रोग्राम को रन भी करता है, यानी उसको एग्जीक्यूट भी करता है, और जिसकी वजह से वो उस मशीन कोड को फ्यूचर के लिए सेव नहीं कर पाता। यानी कंपाइलर का आपकी मशीन कोड बार बार आपको कंपाइल करने की जरूरत नहीं होगी, जब भी आपको इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होगा आप इस .obj फाइल को इस मशीन कोड के जरिए उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लेंगे। जबकि इंटरप्रेटर मशीन कोड को पहले जनरेट नहीं करता बल्कि डायरेक्टली उस प्रोग्राम को रन करता है, जिसकी वजह से वो .obj की फाइल को क्रिएट नहीं कर पाता, इसीलिए उस फाइल को फ्यूचर के अंदर यूज भी नहीं कर पाता। इसीलिए इसका ये नुकसान होता है कि जब जब आपको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होगा हर बार पहले इंटरप्रिटेशन करनी पड़ेगी। अगर दिन में 7 बार आप किसी प्रोग्राम को रन करना है तो 7 बार पहले उसकी इंटरप्रिटेशन होगी, तब जाकर वो एग्जीक्यूट होगा। यानी जितनी दफा आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहेंगे उतनी ही दफा आपको पहले उस प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट करना होगा। तो दोस्तों ये था इंटरप्रेटर का नुकसान, इसीलिए ज्यादातर कंपाइलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद जो तीसरा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है और आखिरी लैंग्वेज ट्रांसलेटर है वो है असेंबलर। असेंबलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस जैसे कि ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड और इस जैसी बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को तब्दील करता है 1 और 0s की फॉर्म में। जब ये 1 और 0s की फॉर्म में तब्दील हो जाती हैं तो फिर माइक्रो प्रोसेसर को इनको एग्जीक्यूट करने के लिए दे देता है। दोस्तों ये बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन दरअसल असेंबली लैंग्वेज में लिखी होती है और इनको असेंबलर के जरिए रीड और फिर राइट किया जाता है। मींस असेंबलर डेडिकेटेड है, यानी ये सिर्फ असेंबली लैंग्वेजेस के लिए बनाए जाते हैं। तो ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर की तरह हाई लेवल लैंग्वेजेस से बिलोंग नहीं करते, क्योंकि ये असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करती है और असेंबली लैंग्वेज एक लो लेवल लैंग्वेज है। मींस असेंबलर लो लेवल लैंग्वेजेस से बिलोंग करता है। लो लेवल लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जो मशीन लैंग्वेजेस से बहुत मिलती जुलती होती हैं, लेकिन इनके अंदर लो लेवल लैंग्वेजेस के अंदर कुछ छोटे छोटे कोड्स होते हैं जैसे ADDMULMOV, इनको निमोनिक्स कहा जाता है, जिनको मशीन लैंग्वेज में तब्दील किया जाता है ताकि माइक्रो प्रोसेसर इन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सके। आइए हम जानते हैं कि असेंबलर किस तरीके से काम करता है। असेंबलर के पास एक डेटाबेस होता है, जैसे कि आपके पास डिक्शनरी होती है जिसमें इंग्लिश के कुछ वर्ड लिखे होते हैं और उसके सामने उसकी उर्दू लिखी होती है। सेम ऐसे ही उस डेटाबेस में निमोनिक्स के सामने उसका बाइनरी कोड लिखा होता है। जब भी कोई इंस्ट्रक्शन असेंबली लैंग्वेजेस पर बेस्ड असेंबलर में डाली जाती है वो निमोनिक्स में मौजूद सिंबल को देखता है और उसकी इंस्ट्रक्शन को उससे रिलेटेड बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जांपल आपने एक कोड लिखा ऐड 5+8, तो ऐड के सामने उसका बाइनरी कोड, 5 के आगे उसका बाइनरी कोड और 8 के आगे उसका बाइनरी कोड लिखा होगा, जिसके बिहाफ पर असेंबलर उस निमोनिक्स को यानी इन अल्फाबेट्स को तब्दील कर देगा बाइनरी नंबर्स के अंदर। इसीलिए ये दूसरे ट्रांसलेटर्स के निस्बत सिंप्लेक्स होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ 1-to-1 मैपिंग करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये 1-to-1 मैपिंग कर रहे हैं। दोस्तों असेंबलर से जो आउटपुट आता है वो .obj की फाइल होती है, यानी वो एक ऑब्जेक्ट फाइल होती है जो कि 1 और 0s पर मुश्तमिल होती है। उस फाइल को एक बार अगर आपने असेंबली लैंग्वेजेस को असेंबलर के जरिए मशीन कोड के अंदर तब्दील कर दिया कि .obj की फाइल बन गई, तो आप उसको फ्यूचर में कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे डिफरेंट टाइप्स के लैंग्वेज ट्रांसलेटर, कंपाइलर जो कि एक साथ पूरे कोड को कंपाइल करता है, एक साथ पूरे कोड को मशीन कोड के अंदर तब्दील करता है, इंटरप्रेटर जो कि लाइन बाय लाइन एक लैंग्वेज को, एक हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड के अंदर तब्दील करता है, और असेंबलर जो कि सिर्फ असेंबली लैंग्वेजेस को उनके मशीन कोड्स के अंदर तब्दील करता है। दोस्तों अगले लेक्चर में हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को डिटेल में पढ़ेंगे।